हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और अभी बज रहे हैं सुबह के 8, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है उठने में। और इस तो सुबह सुबह उठते ही पहले मैं ये दवा खाती हूँ, थायराइड की जो दवा है हमारी रोज़ की, वो मैं खाती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं गर्म पानी लेती हूँ। तो यहाँ गर्म पानी हो गया है तो अपने लिए, पतिदेव के लिए गर्म पानी निकाल ली हूँ गिलास में। और इस टाइम मैं इस बड़ी वाले गिलास में चाय पानी सॉरी चाय नहीं पानी पी रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी ना आदत हो गई गर्म पानी पीने की। तो यहाँ मैं नींबू डाल दी हूँ और शहद डाल लेती हूँ। पतिदेव तो शहद नहीं पीते थे, पर वो भी अब बोलने लगे कि थोड़ा सा शहद मेरे गिलास में भी डाल दिया करो, तो थोड़ा सा उनके गिलास में भी डाल दी हूँ। और मैं अपने लिए बड़ी गिलास में ली हूँ, उनको कम ही दी हूँ, क्योंकि मुझे आदत सी पड़ गई है तो मुझे ज़्यादा पीने का मन रहता है पानी, तो मैं बड़ी गिलास में लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ मैं ब्रश करके चाय वगैरह पी ली हूँ। और मैं ना चाय पीने से पहले भी एक गिलास पानी पीती हूँ, नॉर्मल, गर्म नहीं, नॉर्मल, उसके बाद ही चाय पीती हूँ। और यहाँ उसके बाद चाय पानी हो गया, उसके बाद छोटू को नहलाने लगी। छोटू के पापा नहा लिए थे, चले गए ऑफिस, तो यहाँ मैं दोनों बच्चों को नहीं नहलाई, पर हर्षी तो नहा लिया था, पर छोटू को मैं नहलाई आज, क्योंकि बहुत जल्दी नहा के 5 मिनट में नहा के आ जाता है बाहर। तो इसके पापा बोले आज इसको नहला दो, क्योंकि गंदा गंदा लगता है, अपने आप नहाता है, अच्छे से नहाता नहीं, इसका बाल अजीब सा हो गया है, तो इसे मैं नहलाई। और बच्चे नहा लिए, उसके बाद मैं घर में तो झाड़ू सुबह ही लगा ली थी, तो उसके बाद मैं मशीन लगा दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े थे मशीन में धोने के लिए, तो मैं सोची चलो आज मशीन लगा देती हूँ। और इनके भी शर्ट पैंट थे तो पैंट तो डाल दी हूँ मशीन में। शर्ट जो 3-4 शर्ट रखे हैं उसे मैं हाथ से धोऊंगी, क्योंकि ये बोलते हैं मेरा शर्ट ख़राब हो जाता है मशीन में धुलने से, हाथ से धो दिया करो। तो मैं बोली चलो हाथ से ही धो देती हूँ इनका शर्ट। और ये अपना सूट जो है पहन रखी हूँ, ये भी कलर छोड़ता है, तो इसे भी हाथ से ही धोऊंगी। और सच में ये सूट पहनने में बहुत अच्छा है, बिल्कुल गर्मी लगती ही नहीं है, बिल्कुल हल्का सूट है। मैं सोच रही हूँ अगर आएंगे वो अंकल जो लेके आते हैं, उनसे 2-3 और सूट ले लूँगी, सिलवा लूँगी गर्मी में पहनने के लिए, बहुत अच्छा होता है। तो हाँ, मशीन में पानी डाल के सर्फ डाल के चला दी हूँ मशीन। तो जब तक मशीन चलेगी मैं जल्दी से पोछा लगा के नहा लूँगी, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम। तो यहाँ मंदिर में मैं ज्योत बत्ती कर दी हूँ,
क्योंकि हमारे पति देव आएंगे थोड़ा लेट, और आए के वो भी ज्योत बत्ती करेंगे। उसके बाद ज्योत बत्ती करने के बाद मैं गई सब्जी लेने, तो यहाँ मैं सब्जी में बहुत सारी सब्जी लेके आई हूँ। टमाटर, और टमाटर सही मिल गया, टमाटर एक दो था फिर भी मुझे अच्छा लगा टमाटर, तो मैं ले आई क्योंकि जल्दी अच्छा टमाटर मिलता नहीं। अब गर्मी का टाइम आ गया ना, तो बहुत देखने में तो अच्छा, जब काटोगे ना तो उससे बहुत बदबू आती रहती है टमाटर से, पर मैं छाँट छाँट के ले आई हूँ। और यहाँ मैं घिया लाई हूँ, और एक मैं तरबूज लाई हूँ, और खीरा लाई हूँ। खीरा मुझे अच्छा नहीं मिला, चाइनीज़ खीरा मिल रहा था, तो छोटू बोला मम्मी ये खीरा अजीब सा है, चाइनीज़ है मत लो। मैं बोली अभी तक तो चाइना का मोबाइल और ये सब आ रहा था, वैसे सामान अब सब्जी वगैरह भी आने लगा चाइना से, तो हंस रहा था सब्जी वाले जो भैया थे, हंस रहे थे। तो यहाँ मैं कच्चा आम लाई हूँ और अदरक लाई हूँ। ये अदरक थोड़ा ख़राब दे दिया था, तो मैं फेंकने के लिए दी हूँ, तो आप लोगों को दिखा रहा था छोटू। तो यहाँ मैं कच्चा आम लाई हूँ और एक पेठा लाई हूँ, और थोड़ी सी मिर्ची लाई हूँ क्योंकि मिर्ची भी नहीं थी घर में। और यहाँ मैं पालक लाई हूँ, आलू लाई हूँ, धनिया लाई हूँ। धनिया तो वैसे ही भैया फ्री डाल दिए, ज़्यादा सब्जी लो ना तो सब्जी वाले फ्री डाल देते हैं धनिया। मिर्ची तो मैं पैसा दे के ली हूँ। और मैं तोरी लाई हूँ, तोरी बहुत अच्छी मिली तो तोरी लाई हूँ। अब देखो किसकी सब्जी खाते हैं, जब पति देव आएंगे तो बताएंगे किसकी सब्जी खाएंगे। अभी आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे, तो फ़ोन भी करना अच्छा नहीं है, गाड़ी चला रहे होंगे तो आएंगे तो मैं पूछूंगी। तब तक मैं सारी सब्जी को धो के रख देती हूँ, और पालक नहीं धोंगी, पालक ऐसे ही रख दूंगी और बाकी सब्जी मैं धो दूंगी। तो हाँ मैं सारी सब्जी धो के रख दी हूँ। और ये देखिए हमारे पति देव आते ही ऑफिस से पानी नहीं पिए, आम खा लिए पहले ही, उनको बहुत पसंद है कच्चा आम। और छोटू भी काफ़ी देर से बैठा है कि मम्मी एक कच्चा आम दे दो खाने के लिए, नहीं दी। गाइस गुड़गांव में हो रही है तेज बारिश, उसके साथ ओले पड़ रहे हैं छोटे छोटे। हर्षित ये दोनों का पोपट हो गया, जैसे ही खेलने गए आधा घंटा खेले वो बारिश आ गई। रुक गई ना तो मैं जाऊंगा। अच्छा पानी पानी हो जाए ना, ये देखिए मैच देख रहा मैं, वहाँ भी बन गया मेरी बारी। अरे आएगा भी नेटवर्क, इधर भी आने लगे पानी। हाँ देखो कैसे आ रही है, देखो वहाँ से कैसे आ रहे हैं, यहाँ से देखो कैसे आ रही है, एकदम मस्त हवा चलने लगी। हवा नहीं वो आ रहे हैं, वाह ठंडा मौसम हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी। अच्छा अच्छा आज देखो कैसे आ रही है बारिश, भाई अब बारिश आ गई, अब ओले नहीं पड़ रहे, लग रहा है ओले नहीं पड़ रहे हैं। देखो ऐसे हो कि जा रही है, हल्का सा ओले पड़े, आप गिरेगी टाइल्स गिरेगी 100% पर मारूंगी। अरे अरे हवा देख लो, वाओ ये या खड़े होना, पता चला सच में टाइल्स गिर जाए तो। देखो कैसे लग रहा है, एकदम मस्त भाई, यहां से देख कैसे लग रहा है, यहां से ऐसे मन कर रहा नहाने का, नहा लो जाकर बैठ के। आंधी आंधी मैं कैमरा से बनाऊं तो अच्छा लगे। जिस दिन बारिश होती है उस दिन हमारे घर में सबका अलग अलग आर्डर आने लगता है, मम्मी ये बनाओ आज ये बनाओ, अब बच्चों के पापा कुछ और आर्डर करेंगे। तो दोनों बच्चे बोल रहे थे पकौड़ी बनाने के लिए, और बच्चों के पापा फ़ोन किए कि गरम गरम आलू पराठा बनाओ, काफ़ी दिन हो गए। तो फिर बच्चों से बोली कि पापा तो पराठा बोल रहे हैं बनाने के लिए, फिर छोटू बोला ठीक है पराठा ही बनाओ। तो फिर यहाँ मैं गर्मा गर्म पराठा बना रही हूँ चटपटा, क्योंकि हमारे घर में इस टाइम सब चटपटा खा रहे हैं, मिर्ची
और जो मिर्ची बिल्कुल नहीं खाते थे वो तो मिर्ची धुआंधार खाने लगे। और पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि बिल्कुल तीखा नहीं खाते थे, मैं रो देती थी खाना बनाने में, क्योंकि तीखा बिल्कुल खाते ही नहीं थे तो मुझे पसंद ही नहीं आता था, मुझे रोना आता था जब मैं खाना खाने बैठती थी या तो ऊपर से मुझे मिर्ची लेके, पर ऊपर से बहुत लो जब तक सब्ज़ी तीखी नहीं रहती थी बहुत ऊपर से मिर्ची लेके खाओ स्वाद ही नहीं लगता था, तो बहुत ज़्यादा मैं रोती थी। फिर मैं अचार वगैरह लेके खा लेती थी, सब्ज़ी वगैरह बहुत कम खाती थी, इसी कारण जब तीखा ही नहीं लगता था तो मैं खाती ही नहीं थी। पर अब धीरे धीरे ना मैं इनको भी सिखा दी तीखा खाने के लिए, और हर्षित मेरे तरह चटपटा खाता ही है, और छोटू भी अपने पापा की तरह कम तीखा खाता है, पर अब कभी कभी वो भी जैसे बारिश वरिश होती है ना तो वो भी चटपटा ही, मम्मी थोड़ा चटपटा बनाना बोले क्यों, वैसे तो वो नहीं खाता चटपटा, और आज चटपटा पानी पीते जाएगा पर चटपटा खाएगा, बोलेगा मम्मी चटपटा बनाना, तो चटपटा पराठा वो चटनी वो दही भी है, दही नहीं खाएंगे शाम को क्योंकि बारिश हो रही है और पता चला दही खाने सर्दी जुकाम हो जाए तो हो गया, फिर तो दही नहीं खाएंगे, चटनी बनाई हूँ, अगर चाय पियेंगे तो चाय बनाऊँगी, नहीं तो सब चटनी टमाटर और धनिया की चटनी है उससे खा लेंगे। ये है हमारे घर के कटप्पा, कटप्पा है देखो गंदा हो गया, ये अंदर रहता है फिर भी गंदा हो गया है। छोटू अपना चश्मा, उसके पास दो चश्मा था तो ये किसको लगा दिया, और बोल रहा है मम्मी मेरे पास चार पैंट है हाफ एक इसको पहना दो, बोले नहीं ऐसे ही रहने दे, नहीं पहनाना मुझे कपड़ा इसे अच्छा लगता है। मेरे बुच्चे बहुत खेलता है छोटू इसके साथ, यहाँ सोफे पे अक्सर हम लोगों का टाइम यही पास होता है, मैं तो पूरे दिन इसी सोफे पे लेटी रहती हूँ, वीडियो वगैरह बनाना है शॉर्ट वो भी इसी पे, क्योंकि इस कमरे में एसी है, एसी चलती है, हर्षित तो सोता है अब तो पता नहीं कब उठ के लगता है, वो उसे दिक्कत हो रही थी सोने में तो चला गया बेड पर, और ये सिंगल बेड है इस रूम में ना तो दिक्कत हुई थी, इसके पापा फिर सोफा पे चले आए, हर्षित और छोटू उसको सोए, बोले पता नहीं कब आके हर्षित घुस गया बीच में मेरे और छोटू के, तो मुझे दिक्कत होने लगी तो मैं सोफा पे, फिर मैं सुबह से उठ के आई तो मैं बोली चाहो वो रूम भी ठंडा है, और इस रूम में एसी चलती है तो वो रूम बिल्कुल ठंडा रहता, मैं पंखा चलाई थी फिर भी ठंड लग रही थी, बिल्कुल ठंडा हो गया था, वैसे भी वो रूम सर्दी के लिए भी अच्छा है गर्मी के लिए, गर्मी में ठंडा रहता पीछे वाला रूम और सर्दी में गर्म रहता है, और ये सर्दी में ठंडा रहता है गर्मी में गर्म रहता है, क्योंकि जो धूप आती है ना सीधा धूप हमारे रूम की तरफ ही आती है तो इसलिए ये रूम गर्म रहता है। और नाश्ता हो गया, नाश्ते में बनाई थी मैं पोहा जो कि हमारे पति देव खा के जा चुके हैं अपने दोस्त के पास, कुछ ज़रूरी काम था उनको कहीं जाना था तो फ़ोन किए थे अपने दोस्त के पास तो बोले चलो चलते हैं तो गए हैं, और बच्चों के लिए स्कूल का पता भी करके आएंगे कि कौन सा स्कूल अच्छी है कौन सी नहीं, क्योंकि इस स्कूल में तो मैं ठान ली कि मुझे इस स्कूल में अब नहीं पढ़ाना है, क्योंकि छोटी क्लास तक इसमें अच्छी पढ़ाई होती है, उसके बाद ना मैडम चेंज होती रहती है हर साल तो मैडम चेंज होती हैं, तो बोले फिर इसमें अब कई लोग बोल भी दिए मेरे से कि इस स्कूल में बच्चों को मत पढ़ाओ चेंज कर दो, और जो हमारे पुराना मकान मालिक थे वो भी एक बार इनसे बोल दिए कि बाबा इस स्कूल से चेंज करा दो बच्चों को दूसरी स्कूल में डाल दो, तो फिर ये भी सोचे चलो डाल ही देता हूँ, सब लोग बोल रहे हैं कई लोग इनसे भी बोल चुके तो बच्चों के लिए स्कूल भी पता करके आएंगे कि कौन सी स्कूल अच्छी है, और मैं भी ना खा खा के मोटी होती जा रही हूँ, पहले क्या था बच्चों को लेने जाती थी स्कूल से तो सही हो जाता था थोड़ा चल लेती थी, अब पूरे दिन खा के घर में ही पड़ी रहती हूँ, मैं सोच रही हूँ ना इस छोटे पार्क में है जिम वाला सारे सामान है योगा करने वाला, तो मैं सोच रही हूँ शाम को जाके थोड़ा करके योगा आऊँ, सुबह तो नहीं हो पाता नींद ही नहीं खुल पाती क्योंकि हम लोग ना बहुत लेट सोते हैं, मुझे नींद ही नहीं आती चाहे दिन में सोऊँ ना सोऊँ फिर भी रात में जल्दी नींद 12:30 बज जाता है मुझे सोने, तो सुबह फिर नींद भी नहीं जल्दी खुलती, तो भी मुझे नहाना है, बर्तन है किचन में थोड़ा बहुत उसे धोना है, और कपड़े नहीं धोऊंगी कपड़े सारे मशीन में डालूंगी, बच्चे हमारे पढ़ाई नहीं करेंगे, कल ड्राइंग बुक लिया है
ये भी ड्राइंग नहीं बनाया, आज गया पेन लेके आया, देखो लिखता भी है कि ऐसे ही पेन लेके आया, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे हैं। मैं तो इनसे बोली कि जल्दी करो स्कूल पता करके इनको डालो स्कूल में, नहीं तो मुझे तो पागल कर देंगे दोनों मिलके, इतना ज़्यादा शैतान है। अरे बोल रहे थे तुम्हारे ही बच्चे नहीं हैं शैतान, ऑफिस में इनके और दोस्त हैं ना, बोले कि वो लोग तो और परेशान हैं अपने बच्चों से, जितना हम नहीं हैं, हम लोग सोचते हैं हमारे ही बच्चे हैं शैतान, सबके बच्चे शैतान हैं। तो चले गाइस इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बाय बाय।